नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड के खास बुलेटिन में। इस वक्त प्रदेश में भारी बारिश के चलते काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर से हवाई दौरा कर स्थिति का जायजा लिया है। इस दौरान अचानक मौसम खराब होने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग के गुलाब राय स्थित मैदान में इमरजेंसी लैंडिंग की। बता दें कि प्रदेश में लगातार 3 दिनों से मौसम खराब होने से हालात बेकाबू हो गए हैं। जगह जगह भारी बारिश के कारण नुकसान की सूचनाएं आ रही हैं। अभी तक बारिश के कारण 25 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा कर रहे हैं। आज दोपहर के समय कुमाऊं दौरे पर निकल रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अचानक से मौसम खराब होने पर रुद्रप्रयाग स्थित गुलाबराय मैदान में लैंडिंग कर दी। इसके बाद सीएम धामी गुलाबराय स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन से स्थिति की जानकारी ली है। उन्होंने जिलाधिकारी मनोज गोयल से कहा है कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया जाए और जहां पर स्थिति खराब है वहां पर शीघ्र राहत पहुंचाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस वक्त उत्तराखंड में आसमानी बारिश कहर बनकर लोगों पर टूट रही है, जिसकी वजह से सड़कें, गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कई लोगों का रेस्क्यू किया गया है, कई लोगों की जान चली गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्हें गुलाबराय में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यहाँ पर उन्होंने तमाम अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जैसे भी हालात हैं उस पर नज़र बनाए रखनी है, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर तुरंत के तुरंत मदद पहुँचाई जाए। आपदा में काफ़ी नुकसान हुआ है। जगह जगह सड़क मार्ग बंद हो गए हैं, बहुत जगह पर मलबा आ गया है, भूस्खलन हो गया है, कहीं पर कटाव हो गया है, पुल भी बह गए हैं, जनहानि भी हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी गहरी चिंता यहाँ से दिखाई है, उन्होंने सारी जानकारी दी। मैंने उनकी सारी जानकारियों से अवगत करा दिया है। किसानों का भी नुकसान हुआ है, जनहानि को भी हानि, हर प्रकार की हानि हुई है। हमारी सरकार हर तरीके से, हमारा सारा प्रशासन इसमें लगा हुआ है, सभी को अलर्ट कर दिया गया है और हम लोग स्वयं जो है सभी जगह पर जा रहे हैं। और सभी से हमारा अनुरोध भी है कि ऐसे समय में कोई पैनिक न फैलाएं, न कोई अफवाहें फैलाएं, और जल्दी ही मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि आज शाम तक जो है मौसम ठीक हो जाएगा, सामान्य हो जाएगी, सारी स्थितियाँ सामान्य चली जाएंगी। के मद्देनज़र अचानक मुख्यमंत्री जी का रुद्रप्रयाग का दौरा हुआ है और ये दर्शाता है उनकी संवेदनशीलता को, और उन्होंने पूरे प्रशासन को और पार्टी कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है कि यात्रियों को, जो भी यात्री बाहर से यहाँ पे आ रहे हैं, किसी तरह की परेशानी उनको न हो, हर तरह से इनकी मदद की जाए। इस बारिश के चलते आसमानी आफत कहर बनकर लोगों पर टूट रही है। ऐसे में तमाम जो पर्यटक वहां फंसे हुए हैं उनकी जान को भी आफत है। इसके अलावा जो आम जनमानस है वो भी लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो पशु हैं वो भी इस पानी के तेज बहाव में बहते हुए देखे गए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश अब काल बन गई है। नैनीताल जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के बाद आई आपदा में 9 मजदूर एक ही घर में जिंदा दफन हो गए, जबकि दीवार ढहने से 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई और 2 लोग पहाड़ी से मलबा गिरने से उनकी मौत हो गई है। एक अन्य घटना में घर में मलबा आने से 10 लोगों की जान चली गई। भारी बारिश के बाद अलग अलग जगहों में आई आपदा में अब तक 25 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से रामगढ़ ब्लॉक के सुनका ग्राम सभा में 9 मजदूर घर में ही जिंदा दफन हो गए। ये सभी मोटर मार्ग के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। शाम को पास में एक मकान में रह रहे इन मजदूरों के ऊपर 24 घंटे से हो रही बारिश के कारण मलबा आ गया था, जिसके बाद 9 मजदूरों की मौके पर ही जान चली गई, जबकि एक मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सड़क बंद होने के कारण मजदूरों के शव नहीं निकाले जा सके हैं। सभी मजदूर उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले हैं। वहीं जिले के दोशापानी में भी भूस्खलन के कारण 3 ग्रामीणों की जान चली गई। इसके अलावा मलबा आने के कारण भी 2 मजदूरों की मौत हो गई है। सभी जगह पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत बचाव का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन खराब मौसम से कभी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। लोग शवों को घर से बाहर निकालने की मशक्कतों में जुटे हुए हैं।
नैनीताल की तस्वीरें आप देखेंगे, यहाँ पर अब तक 25 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है और हालात बद से बदतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। पानी कितनी तेज़ी के साथ बहता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी चीज़ इस पानी के रास्ते में आ रही है, पानी उसे बहाकर अपने साथ ले जा रहा है, चाहे वो मकान हो, चाहे वो गाड़ियाँ हों, चाहे वो आम इंसान ही क्यों ना हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए लखनऊ ब्यूरो सुभाष गौर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस खबर को लेकर? बादल फटाव के बाद से ही प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है और रेस्क्यू लगातार जारी था। सबसे बड़ी चीज यह है कि मुख्यमंत्री खुद उस स्थान पर पहुंचे, और न केवल मुख्यमंत्री बल्कि आपदा मंत्री जो है धन सिंह रावत, वो भी उस स्थान पर पहुंचे। हालांकि ये उनका दिल्ली जाने का आज कार्यक्रम था जिसको उन्होंने स्थगित किया, लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये कहा जा रहा है कि लगभग 10 से 12 लोग उस स्थान पर फंसे हुए थे जिसका रेस्क्यू किया गया। लेकिन जिस तरीके से लगातार 2 दिनों से पहाड़ों में बारिश हो रही थी, उसके बाद बड़ा खामियाजा उत्तराखंड को भुगतना पड़ा है जी। देखिए सुभाष, अगर देखा जाए तो अकेले नैनीताल में ही 25 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, जो कि बेहद दर्दनाक है। फिलहाल हालात बद से बदतर हो सकते हैं, मौसम विभाग भी लगातार चेतावनी दे रहा है। ऐसे में राहत बचाव का काम कितनी तेजी के साथ किया जा रहा है, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि जो मजदूर हैं जिनके शव अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, वो भी नहीं निकाले जा सके हैं क्योंकि रास्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि रेस्क्यू वर्क लगातार SDRF की तरफ से चल रहा है, जिला प्रशासन की तरफ से चल रहा है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि बादल फटने के बाद जो मलबा था वो बहुत अधिक संख्या में आया, और इसके बाद ही लगभग 4 से 5 मकान ऐसे थे जिसमें जो मजदूर थे वो फंसे हुए थे, उनको निकालने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार अलर्ट दे रहा है, खासतौर से उन जनपदों के लिए, चाहे वो चमोली हो, नैनीताल हो, या फिर कहा जा सकता है रुद्रप्रयाग जनपद हो, तो ऐसे में मुश्किलें और बढ़ रही हैं। उसका मुख्य कारण ये भी है कि बरसात उन क्षेत्रों में नहीं रुक रही है, लेकिन बिल्कुल सुभाष, क्या पानी का जो बहाव है वो कम हो पाया है? क्योंकि जो तस्वीरें मेरे सामने है वो तस्वीरें डरा रही हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि आगे जो भी कुछ है उसे बहाकर अपने साथ लेकर जा रहा है पानी। जी बिल्कुल, बरसात के चलते जो जल भराव की स्थिति है, या कहा जा सकता है जल स्तर तेजी से बढ़ा, लेकिन अब जिस तरह मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि अगले 2 दिनों में मौसम है साफ हो सकता है, तो कहा जा सकता है कि धीरे धीरे जो जल स्तर है वो घटेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान उत्तराखंड को, खासतौर से नैनीताल जनपद को बरसात के चलते हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि प्रशासन की टीम या SDRF की टीम किस तरीके से रेस्क्यू करती है, और जो दबे हुए मजदूर हैं उन्हें कब तक बाहर निकाला जाता है। जी बिल्कुल सुभाष, अगर नुकसान की बात लगातार आप कर रहे हैं तो क्या आंकलन हुआ है, कितना नुकसान अब तक हो चुका है, और ये जो नुकसान हुआ है कौन कौन से क्षेत्रों में ज्यादा हुआ है? क्योंकि नैनीताल में कई झील ऐसी हैं जो इस वक्त समंदर की तरह दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि नैनीताल जनपद को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। इसके साथ ही ऑल वेदर रोड कई स्थानों पर टूटी है, तो कहा जा सकता है राजस्व का भी बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन ये क्योंकि बरसात के मौसम में इस तरीके की घटनाएं लगातार होती हैं, खासतौर से चमोली जनपद, रुद्रप्रयाग जनपद, ये मुख्य वो मार्ग है 4 धाम के, जिन मार्गों पर क्षतिग्रस्त सड़कें हुई हैं, मलबा आया है, भूस्खलन जैसी स्थिति बनी है। इसके साथ ही ऑल वेदर रोड के साथ ही जो गांव को जोड़ने वाली मुख्य मार्ग है वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, चाहे वो बिल्कुल सुभाष, एक और चीज यहाँ पूछना चाहूंगी, नैनीताल में क्योंकि पर्यटक स्थल है तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो पर्यटक हैं वो पहुंचते हैं, तो ऐसे में जो वहाँ श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, जो पर्यटक पहुंचे हुए हैं, वो कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं, उनको राहत सामग्री कैसे पहुंचाई जा रही है? क्योंकि मौसम अब भी खराब है, क्या हेलीकॉप्टर के माध्यम से सामग्री पहुंचाई जा रही है? क्या अब हेलीकॉप्टर उड़ पा रहे हैं? क्योंकि फिलहाल थोड़ी देर पहले रोक लगा दी गई थी क्योंकि मौसम खराब था। CM जो है वो भी पहुंच रहे थे दौरा करने के लिए, हवाई सर्वेक्षण करने के लिए, लेकिन उनका भी जो इमरजेंसी लैंडिंग है वो गुलाबसराय में कराई गई थी। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल साफ है कि आपदा विभाग की तरफ से 2 हेलीकॉप्टर इन स्थितियों से निपटने के लिए जरूर दिए गए हैं, चाहे वो गढ़वाल मंडल की बात कर लीजिए या फिर कुमाऊं मंडल के लिए। लेकिन क्योंकि मौसम खराब होने के चलते जो हेलीकॉप्टर थे वो उड़ान नहीं भर पा रहे थे, लेकिन राहत सामग्री देने की बड़ी जिम्मेदारी जिस जिले में जो घटना होती है, चाहे नैनीताल जनपद में हो, तो उस जिला अधिकारी की जिम्मेदारी है कि उन स्थानों तक
राहत सामग्री किस तरीके से पहुंचाया जाए। इसके साथ ही ये कहा जा सकता है कि जैसे ही मौसम खुलेगा तो हेली सर्विस के जरिए उन स्थानों पर राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी और कोशिश किया जाएगा कि जो भी रेस्क्यू सिस्टम हेलीकॉप्टर के जरिए किए जा सकते हैं उनको जल्द से जल्द किया जाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि तब तक इन सभी चीजों की मॉनिटरिंग आपदा विभाग कंट्रोल रूम राजधानी देहरादून से किया जाएगा और इस कंट्रोल रूम में 24 घंटे जो कर्मचारी हैं वो मौजूद रहेंगे। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सरकार चाहती है कि अधिकारी अलर्ट मोड पर नजर आए। जी बिल्कुल सुभाष। और कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं? नैनीताल में तो हालत बद से बदतर है, बाकी जिलों की बात की जाए तो वहाँ किस तरह के हालात हैं, क्या उम्मीद है, कब राहत मिल सकती है? जी बिल्कुल, जैसे ही मौसम की जो भविष्यवाणी है यानी कि जो मौसम विभाग जो भविष्यवाणी करेगा आगामी दिनों के लिए, यदि मौसम साफ रहता है तो कहा जा सकता है कि जो स्थितियां हैं वो सुधर सकती हैं। उसकी मुख्य वजह यह है कि बरसात रुकेगी तो रेस्क्यू काम जो है वो बहुत तेजी से किए जाएंगे, सड़कों को खोलने का काम बहुत तेजी से किया जाएगा, कनेक्टिविटी बनाने का काम बहुत तेजी से किया जाएगा। लेकिन जैसे कि आपका पहला सवाल था कि किन जनपदों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो नैनीताल जनपद इनमें सबसे मुख्य है जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही चमोली जनपद को भी नुकसान हुआ है, रुद्रप्रयाग जनपद को भी नुकसान हुआ, उत्तरकाशी, ये वो जनपद हैं जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं। इन जनपदों में यदि बरसात होती है तो लगातार स्वाभाविक सी बात है कि नुकसान होता ही होता है, क्योंकि बरसात के चलते यहाँ सड़कें बंद हो जाती हैं, कनेक्टिविटी बंद हो जाती है, जो गाँव को जोड़ने वाली लेन लाइन होती है वो बंद हो जाती है, तो इनको खोलने के लिए प्रशासन को मुस्तैदी से काम करना पड़ता है और इंतजार करना पड़ता है कि बरसात रुकेगी। सुभाष, जो चार धाम है उनके हालात क्या हैं? क्योंकि कल चार धाम की यात्रा जो है वो अस्थायी रूप से रोक दी गई थी, फिलहाल वहाँ कैसी तस्वीरें हैं, क्या वहाँ राहत मिल पा रही है या हालात ऐसे ही बने हुए हैं जैसे कल बने हुए थे? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि चार धाम यात्रा जरूर रोकी गई है, लेकिन इसके साथ ही जो स्थान थे, सुरक्षित स्थान थे चार धाम मार्ग में, चाहे हम ऋषिकेश की बात कर ली जाए, चाहे हम श्रीनगर की बात कर ली जाए, रुद्रप्रयाग की बात कर ली जाए, चमोली, गोपेश्वर, कर्णप्रयाग क्षेत्र की बात कर ली जाए, इन सुरक्षित स्थानों पर यात्रियों को ठहरने की व्यवस्था सरकार द्वारा कराई जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो दुर्गम क्षेत्र है, जो अति दुर्गम क्षेत्र है, उन स्थानों पर यात्रियों को ना भेजा जाए बल्कि सुरक्षित स्थानों पर सभी को जगह दी जाए, रोका जाए। वहीं अगर गंगोत्री और यमुनोत्री की बात की जाए तो उत्तरकाशी में उनको रोकने की कोशिश की जा रही है कि उत्तरकाशी शहर में रोका जाए ताकि किसी प्रकार का नुकसान किसी भी एरिया में ना हो, किसी भी यात्री को कोई नुकसान ना उठाना पड़े। लेकिन क्योंकि कई ऐसे स्थान हैं जहां लगातार भूस्खलन जैसी स्थिति हो रही है, सड़कें गिर रही हैं, तो ऐसे में प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जो गाड़ियां हैं उन्हें मुख्य स्थानों से बाहर ना जाने दें, मुख्य बाजारों से बाहर ना जाने दें और कहीं ना कहीं उनको सुरक्षित स्थानों पर रोकने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल सुभाष, और जिस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही, देखिए दो दिन से सुभाष हम इतनी भयावह तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ जो पशु हैं वो भी इस बाढ़ की चपेट में, इस आपदा की चपेट में आए हैं, उनको लेकर जो राहत बचाव का काम है वो किस तरह से किया जा रहा है, प्रशासन उनको लेकर किस तरह की तैयारी कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो पशु हैं वो फंसे हुए हैं, कहीं जंगलों में फंसे हुए हैं, कहीं पहाड़ों पर फंसे हुए हैं, कहीं नदियों में दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल ना केवल इंसानों को बल्कि जीव खासतौर से जो पशु हैं, पालतू पशु हैं, उनको बचाने का, उनको रेस्क्यू करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं जहाँ बादल फटे, उन स्थानों पर सबसे पहले प्रायोरिटी दी जा रही है कि जो लोग हैं उनको सुरक्षित निकाल दिया जाए, उनको ढूंढा जाए, तो उस पर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मुख्यतः SDRF की जो टीमें हैं उनको बहुत मुस्तैदी से लगाया गया है, उनको कोशिश की जा रही है जिला प्रशासन की मदद से कि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, खासतौर से जो पशु हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे पशु हो, इन सभी को निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री खुद इन सभी की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज सुबह जिस तरीके से बादल फटने की घटना सामने आई थी उसके बाद से ही मुख्यमंत्री आपदा कंट्रोल रूम सचिवालय पहुंचे थे, उन्होंने उसका निरीक्षण किया, उन्होंने कोशिश की कि वो दिल्ली का जो कार्यक्रम था उसे स्थगित कर उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन मौसम खराब होने के चलते वो मुख्य स्थान पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सभी लोगों जो प्रभावित हुए हैं इससे उनको जल्द से जल्द बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए और खासतौर से जो डीएम को एक बड़ी पावर दी गई है कि वो अपने जिले में बेहतर व्यवस्था कराएं, उसके लिए उनको पूरी तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से तैयारियां और सुभाष जो बजट है वो कर दिया गया है। जो बिहार और उत्तर प्रदेश से मजदूर यहां काम करने के लिए पहुंचे हुए थे नैनीताल में, जिन लोगों की जान चली गई उनको लेकर आर्थिक मदद किस तरह से दी जा रही है उनके परिवार वालों को?
क्या कोई ऐसी बिल्कुल घोषणा आर्थिक की मदद गई है? की अगर बात की जाए तो कुछ देर में कहा जा रहा है कि आर्थिक मदद की जो बात है वो मुख्यमंत्री बता सकते हैं कि आखिरकार कितनी आर्थिक मदद उन लोगों को की जाएगी, खासतौर से जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इन स्थानों पर बादल फटने के चलते। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ना केवल उन लोगों को बल्कि जिन लोगों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो लोगों के जाने गई हैं, इसके साथ ही जिनके पशु नुकसान हुआ उन सभी को कहीं ना कहीं मुआवजा देने की बात सरकार करती है, लेकिन कब तक वो मुआवजा निर्धारित करता है और कितना मुआवजा उन लोगों को मिलता है ये भी देखना होगा। जी बिल्कुल सुभाष। और एक और चीज यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि फिलहाल चारधाम यात्रा शुरू हुई थी जैसे तैसे, क्योंकि कोरोना के मामले कम आ रहे थे, लोगों को लगा था कि अब रोजगार जो है उन्हें मिल सकेगा, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सकेगी, लेकिन प्राकृतिक आपदा के चलते ये भी पूरी तरह से ठप हो गया है। तो क्या आने वाले समय में कोई राहत पैकेज मिल सकता है इन लोगों को? बिल्कुल, राहत पैकेज की बात की जाए तो राहत पैकेज सरकार पहले ही घोषित कर चुकी थी कैबिनेट में लाकर जब यात्रा पूरी तरीके से बंद थी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि दो दिनों से जिस तरीके से आफत की बारिश उत्तराखंड में हुई है उसके लिहाजा उन लोगों को भी भुगतना पड़ा है जो जिनकी आजीविका चार धाम यात्रा से चलती थी, जिनके चेहरे खिले थे चार धाम यात्रा शुरू होने के चलते। लेकिन कहा जा सकता है कि एक से दो दिन के बाद फिर से यात्रा खोली जा सकती है, रास्ते अगर क्लियर कर दिए जाए प्रशासन की तरफ से तो। लेकिन क्योंकि अभी मौसम अलर्ट के चलते कहीं ना कहीं उन जनपदों की यात्रा नहीं खोली जाएगी जो दूर दराज से हैं। बिल्कुल सुभाष। और दिन में तो फिर भी ठीक है, दिन के समय में आसानी से राहत बचाव का काम हो जाता है, लेकिन रात के समय में काफी दिक्कतों का सामना SDRF NDRF को करना पड़ता है। तो ऐसे में आज क्या व्यवस्था की गई है, क्या राहत बचाव काम रात में भी जारी रहेगा? जी बिल्कुल, आपदा की स्थिति में राहत बचाव का काम है वो 24 घंटे चलाया जाता है और उसके लिए जो जिला प्रशासन है पूरी तैयारियां रखती हैं। तो कहा जा सकता है कि जिन स्थानों पर लोग फंसे हैं, जिन स्थानों पर मवेशी फंसे हैं, उस स्थान पर लगातार जो रेस्क्यू काम है वो किया जा रहा है। यदि बरसात बंद होती है तो यदि बरसात लगातार जारी रहती है तो कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू काम है उसमें रुकावट हो सकती है, लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, जल्द से जल्द लोगों को बचाया जाए, जो लोग फंसे हैं उन्हें सुरक्षित निकाला जाए। जी बिल्कुल सुभाष, यानी कहा जा सकता है कि ये समय जो है वो उत्तराखंड वासियों के लिए बेहद ही मुश्किलों भरा हो सकता है ये कह सकते हैं। हालांकि जो जवान वहां लगे हुए हैं उनके लिए भी ये बहुत मुश्किलों भरा समय है, क्योंकि राहत बचाव का काम करने में काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, लेकिन वो डटे हुए हैं, लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए सुभाष। तो नैनीताल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नैनीताल में बादल फटने से एक बार फिर से जो आफत है वो आ गई है। इसमें 25 लोगों की जान अब तक जा चुकी है, कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हालांकि रेस्क्यू करने में बहुत दिक्कतों का सामना यहां पर जवान कर रहे हैं, क्योंकि मलबा आने से जो रास्ते हैं वो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं, राहत पैकेज जो है वो पहुंचाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सामग्री पहुंचाने में भी काफी दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। तो प्रदेश में बीते दो दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ रहा है और आने वाले समय में भी हालात ऐसे हो सकते हैं। हाल ये है कि नदियों के किनारे वाले गांव में नदियों का पानी घुस गया है और कई बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। यही हाल केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के संसदीय क्षेत्र नैनीताल का भी है, जहां बरसात ने लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर इलाकों में भी अपना कहर बरपाया है, जिसके चलते केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लाल कुआं में जल प्रलय से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और ग्रामीणों से उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। तो लाल कुआं की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर कई बीघा फसल जो है किसानों की पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। काफी हुआ है, काफी घरों को नुकसान हुआ है। मैं दो तीन गाँव में भी अभी गया था तो वहाँ पर भी बड़ी दिक्कत है और लगभग गाँव कटने को है, इसलिए वहाँ के आदमियों को भी लोगों को परिवारों को शिफ्ट कर दिया गया है। इसी तरह से यहाँ लालकुआ में आपने देखा है कि पीछे जो हमारे फॉरेस्ट की लैंड है तो वहाँ भी जो परिवार हैं वो भी असुरक्षित हैं, उनकी भी व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ मंदिर में कटान हो गया, उधर गर्म पानी में लोग फंसे रहे, कल उनको शिफ्ट किया गया, कैंची पर फंसे रहे हैं। अभी एक मकान में रामनगर पर आपके जो रामनगर है ऊपर की साइड को सुंदर खाल में, तो एक मकान के ऊपर से लोग बैठे हैं, चारों तरफ से पानी से भर गया है, नदी आ गई है, इसलिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जा रही है और सेना की तरफ से भी 3 हेलीकॉप्टर यहां पर लाए जा रहे हैं, लगभग वो काम पर लग गए हैं। हर प्रकार से लोगों की मदद देना सरकार का पहला कर्तव्य है, हमारी उत्तराखंड की सरकार
पूरी तन्मयता से कार्य कर रही है हर जगह पर। काफ़ी लोग बद्रीनाथ वाले लाइन पर भी फंसे हैं, उनकी व्यवस्था कैसे ठीक हो उसको भी देख रहे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों से लेकर तराई वाले क्षेत्रों में तीन दिनों तक भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। केदारनाथ धाम में भी बारिश से तीर्थयात्रियों, व्यापारियों, तीर्थ पुरोहितों और मजदूरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों को प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के बारिश को कम और ज्यादा करने वाले ऐप की याद आ गई और उन्होंने शिक्षा मंत्री से पहाड़ में हो रही बारिश से निजात दिलाने की मांग की है। हालांकि केदारनाथ धाम में दोपहर बाद मौसम खुल गया और तीर्थयात्रियों ने राहत की सांस ली। बता दें कि बरसाती सीजन के दौरान प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बयान दिया था कि अब ऐसा ऐप आने जा रहा है जिससे बारिश को कम या ज्यादा किया जा सकता है। इसके साथ ही जिस स्थान पर बारिश नहीं हो रही वहां भी बारिश कराई जा सकती है। अब ऐसे में केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों को उच्च शिक्षा मंत्री के इस बयान की याद आ गई और उन्होंने कैबिनेट मंत्री से निवेदन किया कि वे इस ऐप का इस्तेमाल करें और जल्द से जल्द लोगों को राहत दिलाएं। बता दें कि केदारनाथ धाम सहित जिले में तीन दिनों से लगातार बारिश के कारण तीर्थयात्री, व्यापारी और आम जनमानस को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश से जहां राजमार्ग से लेकर लिंक मार्ग बंद पड़े हैं तो वहीं तीर्थयात्रियों को होटल में रोका गया है और मौसम खुलने के बाद ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। हालांकि केदारनाथ धाम में दोपहर के बाद मौसम खुल गया था और धूप खिली खिली दिखाई दे रही थी। उत्तराखंड सरकार में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी पूरे उत्तराखंड की और उत्तराखंड में आए हुए देश विदेश से तीर्थयात्रियों की एक निगाह आप पे टिकी हुई है। आप जल्दी से जल्दी अपना ऐप उत्तराखंड में लाए और इस बारिश से निजात दिलाए, क्योंकि तीन दिन से लगातार उत्तराखंड में हो रही बारिश के कारण सारे आम जनमानस और उत्तराखंड में आए हुए तीर्थयात्री बहुत परेशान है। और मेरा भी आपसे विशेष आग्रह है, आप जल्दी से जल्दी इस मौसम के बारे में सोचें और जल्दी कुछ करें। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और हरीश रावत के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई है। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग का आलम यह है कि अब दोनों एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने आज हरीश रावत पर कई गंभीर आरोप लगाए। हरीश रावत के करीबी लोगों पर हरक सिंह रावत से चरित्र हनन के मामले में उनको फंसाने की कोशिश का आरोप लगाया। हरक सिंह रावत का कहना है कि 2016 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी तो उसके बाद हरीश रावत के करीबी लोगों ने कई लड़कियों से संपर्क कर पैसे देकर उन पर झूठे आरोप लगाकर फंसाने की कोशिश की, जिसके सबूत उनके पास है। इतना ही नहीं, हरक सिंह रावत का कहना है कि 2016 में कांग्रेस छोड़ने के बाद हरीश रावत ने उन्हें जेल में डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत को नहीं मिला। उनकी सहसपुर की जमीन की जांच भी कराई गई। वहीं उनके विधानसभा स्थित कार्यालय को मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत ने खुद बंद कराया। एक मुख्यमंत्री के नाते हरीश रावत विधानसभा में उनके दफ्तर पर ताला लगाने गए। मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत को उस समय ये लगा कि उनके विधानसभा स्थित ऑफिस में पता नहीं कौन सा खजाना छिपा हुआ है। हरक सिंह यही नहीं रुके, उनका कहना है कि भाजपा ने उनको सम्मान दिया जबकि कांग्रेस में रहते हुए उन्हें फंसाने की कोशिश की गई और जैनी प्रकरण उनका उदाहरण है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते हालात बेहद खराब हो गए हैं। मंगलवार को 11 और लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा कुमाऊं क्षेत्र प्रभावित है जहां कई मकान जमींदोज हो गए। मलबे में कई लोग दबे हुए हैं। नैनीताल का संपर्क राज्य के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से कट गया है। यहां तक आने वाली तीनों सड़कें भूस्खलन के चलते ब्लॉक हो गई हैं। वहीं बारिश के चलते नैनीताल जिले में काठगोदाम रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली रेलवे लाइन भी पूरी तरह से बह गई। इसके साथ ही राज्य में मरने वालों का आंकड़ा 24 से ज्यादा है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के सचिव एएस मुरसेन ने बताया कि पिछले 24 घंटे में राज्य में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। सोमवार को बारिश के चलते पौड़ी और चंपावत में 5 मौतें हुई थी। इसमें नेपाल के 3 मजदूर भी शामिल थे। मंगलवार को अल्मोड़ा, नैनीताल को उधम सिंह नगर में 11 लोगों की जान गई। हल्द्वानी में गोला नदी पर बना पुल बारिश के चलते पूरी तरह से दरक गया है। पुल के बीचों बीच गड्ढा बन गया है। पुल के एक छोर पर खड़े लोगों ने दूसरी छोर से आ रहे बाइक सवार को इस बारे में अलर्ट किया, तब मोटरसाइकिल सवार वापस मुड़ा। नैनीताल में नैनी झील के पास माल रोड और नंदा देवी मंदिर में पानी भर गया है। यहाँ एक हॉस्टल बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ। वहीं उधम सिंह नगर में नानक सागर बांध के सभी गेट खोल दिए गए। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स राज्य में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम लगातार दे रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।